आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो, उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो, वो जवानी जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी न हो, आंसू है खुशी की झड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी हो। तो नमस्ते बहन भाइयों, बड़े ही कम शब्द में कहना चाहता हूं, आज खुलेगा इंग्लिश पिटारा और मैं हूं सियाज और आपका स्वागत स्वैग से करते हैं। चलिए अब रुक करेंगे प्रेपोजिशन की तरफ और आज की क्लास में लेकर आए हैं ऑन, अपन, ऑन और एक मिनट देखेंगे। ऑन अपन और ऑफ है और ये भी ऑफ है। डब से कि ऑफ आपने देखा होगा, एक सिंगल एफ वाला और एक डबल एफ वाला, ठीक है। तो आज हम दोनों देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ऑन और अपन से। देखा जाए ऑन और अपन दोनों का मीनिंग होता है पर या के ऊपर। दोनों का मीनिंग सेम है, पर या के ऊपर, लेकिन अब ये है कि किसका यूज कब करेंगे। तो देखा जाए कोई भी ये चीज, मान लीजिए टेबल, ठीक है, और इसके ऊपर कोई भी थिंग रख दिए, कोई भी चीज को रख दिए, अगर वो टच में है तो क्या लगाएंगे, ऑन। याद रहे कोई भी चीज, जैसे कि आप कैप पहने हुए हैं, ठीक है, तो कैप पहने हुए हैं तो कैप क्या हवा में है कि टच में है ना, टच में है तो क्या लगाएंगे, ऑन, ऑन द हेड। कोई दिक्कत है क्या। और अपन वहां लगाएंगे, यहां भी टच में रहेगा लेकिन इसमें क्या होगा, मोशन होगा। क्या होगा, मोशन होगा, मीडियम चेंज होगा इसमें, है ना, मोशन के साथ मीडियम भी चेंज होगा। जैसे कि हम कोई चीज फेंक कर किसी को मारेंगे या रखेंगे टेबल पर, जैसे बुक लिए, अब बुक को टेबल पर से रखे तो बुक मेरा टेबल पर ही गया है, वो टच में है लेकिन अभी क्या है, इसमें मोशन था, फेंके थे उसको मैं से, ठीक है, तो क्या लगेगा वहां पर, अपन द टेबल। क्लियर। तो देखा जाए तो ऑन टच के लिए और अपन जो रहेगा ये भी टच के लिए लेकिन इसमें मोशन रहेगा। क्लियर। क्वेश्चन देखा जाए, देयर आर बुक्स, कोई भी बुक रखे हुए हैं टेबल पर तो क्या वो हवा में है, टच में होगा तो क्या लगाएंगे, ऑन। गुड। द कैट जंप्ड, कैट जो है जंप किया होगा टेबल पर, तो क्या जंप करते ही क्या सट किया होगा टेबल पर, नहीं, मोशन हल्का सा हिला होगा फिर तब जाकर रुका होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या लगाएंगे, अपन। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखा जाए, आई थ्रू, मैंने फेंका, थ्रो का भी क्या होता है, थ्रू। आई थ्रू ए प्लेट, आप जब प्लेट फेंकेंगे टेबल पर तो क्या सट जाएगा प्लेट, थोड़ा सा हिले डुलेगा, मोशन है ना, तो क्या होगा, अपन होगा, है ना, क्योंकि प्लेट उससे पहले आपके हैंड में था प्लेट, अब कहां चला गया, टेबल पर, तो मीडियम भी चेंज हो रहा है प्लस मोशन भी है ना। आगे देखा जाए, अब ऑन, सॉरी ऑफ और डबल एबल ऑफ नहीं, देखा जाए एक ऑफ शो करता है रिलेशन को, ये सिंगल एफ वाला जो ऑफ है ये शो करेगा रिलेशन को और डबल एफ वाला जो ऑफ है वो सेपरेशन को शो करेगा, अलगाव, मतलब एक में मिलने का बात होगा और एक में जुदाई का बात होगा, नहीं तो देखा जाए कैसे मिलते हैं और कैसे बिछड़ते हैं, देखा जाए। चलिए ही फेल, है ना, वह गिरा, तो एक बात हमको बताइए, पेड़ से कोई गिरेगा तो वो मिलेगा कि बिछड़ेगा, बिछड़ेगा ना, पेड़ से हम गिर गए तो नीचे आ गए, पेड़ से हम हट गए, है ना, तो जुदाई यहां पर है, देखा जाए तो ही फेल कौन वाला ऑफ लगेगा, बोलिए ये वाला ऑफ लगेगा, ओ डबल एफ। क्लियर है ना। अब आगे देखा जाए, ही इज द डायरेक्टर दिस स्कूल, कोई भी स्कूल के आप डायरेक्टर हैं तो क्या है आपका उससे रिलेशन होगा, तो कौन वाला ऑफ लगेगा, बोले हाँ सिंगल ए वाला ऑफ, ये वाला ऑफ लगेगा। चलिए कोई दिक्कत है क्या। अब आगे देखा जाए, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, हाँ जल्दी। चलिए अब आगे देखा जाए, विथ और बाय दोनों का मीनिंग क्या होता है, से या के द्वारा, हम विथ बोलेंगे या बाय बोलेंगे, दोनों का मीनिंग क्या होता है, से या के द्वारा। देखा जाए विथ का यूज वहां करेंगे जहां पर टूल्स का बात करेंगे, जहां पर औजार का बात करेंगे, हथियार का बात करेंगे, ठीक है, औजार कुछ भी हो सकता है, ठीक है,
और why का यूज वहां करेंगे जहां पर पर्सन की बात होगी, पर्सन की बात होगी तो वहां पर क्या लगाएंगे by, ठीक है। और दोनों का मीनिंग सेम होता है से या के द्वारा, तो by का यूज पर्सन के लिए और with का टूल्स। कोई दिक्कत है क्या? तो क्वेश्चन लिखा जाए, बाहुबली वाज किल्ड डैश कटप्पा, है ना, बाहुबली को किसने मारा है? कटप्पा ने, तो कटप्पा पर्सन है, तो पर्सन के लिए क्या आएगा बोलिए आप ही, by आएगा, तो by कटप्पा। कोई दिक्कत है क्या? आगे लिखा जाए, आई रोट अ लेटर, है ना, डैश ए पेन। अच्छा ए पेन ये कोई पर्सन है क्या? नहीं ना, ये क्या है? टूल्स है। एक मिनट, हम लोग बोलते हैं भी कभी कभी कलम की ताकत, कलम क्या है मेरे लिए? हथियार है, कलम से तख्ता किसी का पलट सकते हैं, बोलते हैं ना जी, कलम भी क्या है? औजार होता है। तो देखा जाए तो क्या लगाएंगे? विथ, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे, ए डॉग वाज किल्ड डैश रोहन, कोई पर्सन है तो पर्सन के लिए क्या आएगा बोलिए, हाँ बाय आएगा ना, और स्टिक क्या पर्सन है? नहीं ना, हथियार है, टूल्स है, औजार है, तो क्या आएगा? विथ, कोई दिक्कत है क्या? तो बढ़िया से इसको कॉपी में नोट करेंगे आप लोग और जितना हो सके शेयर करते चले जाएंगे अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। जय हो, जय हिंद।